उसका रीजन है मैंने वीआर खेल लिया ना बड़ा वाला। फोन कवर भी नहीं था, सोचो बच गया बच गया बच गया। आप लोगों ने मुझे ये वीआर हेडसेट पहनकर बहुत सारे गेम प्ले करते हुए देखा होगा, चाहे वो हर कैटेगरी में हो। लेकिन वीआर जो है ना खाली गेम्स पर लिमिटेड नहीं रहता, आप एंटरटेनमेंट के रूप में यूज कर सकते हो, आप सोशल एक्टिविटीज के रूप में यूज कर सकते हो, आप फिटनेस के रूप में यूज कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इसकी कीमत जब सब लोग सुनते हैं 34,000-33,000 शौक रह जाते हैं, तो भाई उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है और उसकी कीमत इसकी कीमत से 92-94% कम है, मतलब अराउंड आपको वो 2000 के आसपास मिल जाएगा। और आपको कैसा एक्सपीरियंस देता है, क्या टक्कर देता है, वो मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऐसे वीआर हेडसेट की जो आपके बजट में आ जाएगा और आपको वीआर का एक्सपीरियंस करने वाला है। 34,000 डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बट जब 2,000 और 2,500 रुपीज जब आप लगाने की बारी आती है तो उसके कंपेरिजन में सही रहता है। तो क्या आज अनबॉक्स करने वाले हैं वो हम देखते हैं, जिसका नाम है इरुसु वीआर हेडसेट। और क्या है, कैसा पैकेजिंग है, कैसा है उसके अंदर प्रोडक्ट, और उसका थोड़ा सा इनिशियल अनबॉक्सिंग और इनिशियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये है उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन जिसका नाम है इरुसु प्ले वीआर प्लस। कुछ इस तरह का इसका पैकेजिंग है, यहाँ थोड़ा सा लूज आता है, लूज ही है वो, आप चाहे लो या ना लो, मतलब जैसा भी लोगे तो थोड़ा सा लूज आएगा, तो इसमें कुछ कमी नहीं है। कुछ इस तरह का इसका पैकेजिंग है। इसके अंदर रिमोट का भी ऑप्शन आता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर मैंने रिमोट वाला नहीं लिया हुआ, तो विदाउट रिमोट आया, अगर विद रिमोट होगा तो यहाँ प्लस होगा। तो ये है इरुसु प्ले वीआर प्लस, आपका यहाँ पर सील लगा होगा, अगर ये सील मिसिंग है, देखो सील ओके वाला है, अगर नहीं मिसिंग है तो समझ जाना भैया कि आप रिटर्न करा दो ओपन करने से पहले, या कॉन्टैक्ट कर लो सपोर्ट को, इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है तो आप आसानी से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं इस सील को। तो फाइनली जो है वो सील ब्रेक हो चुकी है और हम यहाँ पर इसको ओपन कर रहे हैं, और ये हमारा जो हेडसेट है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये पैकेजिंग है, इसके अंदर कुछ कागज़ हैं, चलो देख लेते हैं वो। इसके लिए हमें सबसे पहले तो मुझे थैंक यू दिख रहा है यहाँ पर, तो एक थैंक यू कागज़ है, थैंक यू का। और ठीक है, यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए हैं, रेट और रिव्यू देने के लिए हैं, कैसे यूज़ करना है वो बताया है, और अपने बाकी के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। नंबर वन वीआर ब्रांड इन इंडिया, तो इंडियन ब्रांड है तो मेड इन इंडिया वाली बात भी सही हो जाएगी। यहाँ पर एक बुकलेट है जिसमें बताया है कैसे आपको ऑन ऑफ करना है, कैसे मोबाइल फिट करना है, कैसे आपको अपने सिर के साथ कैलिब्रेशन करना है हेड के साथ, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर होने वाली हैं। साथ ही एक कपड़ा भी मिलता है यहाँ पर जिससे आपको वो लेंस वेंस साफ करना हो तब। ये सब हो गया, अब आ जाते हैं हम अपना असली प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये वीआर हेडसेट। तो कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है, आपको ये ऑडियो का भी ऑप्शन देता है, ये वाले में ऑप्शन में आपको एक ईयरफोन वाला ऑप्शन भी आता है यहाँ पर। और हाँ, इसमें भी जब आप, मैंने ये लिया था ना क्वेस्ट 2, अभी तो मैंने इसमें नया हेड स्ट्रैप लगाया है, ये इसके अंदर भी पहले इसके जैसा ही आता था ऐसे कपड़े वाला, तो इसका हेड स्ट्रैप भी कपड़े वाला ही है। उसके अलावा अगर आप आगे देखते हो तो कुछ ऐसी डिज़ाइन है इसकी, इरुसु का लोगो है, डिज़ाइन है, मार्किंग है, और ये आई थिंक ये मैंने रैंडमली निकाल दिया है, बट इसको आप निकालना मत, ये एक्चुअली गर्म वरम हो जाता है फ़ोन उसके लिए है, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं है इसका। आपको जब मोबाइल डालना होता है अपना, इसके अंदर डालना होता है, यहाँ पे आपका मोबाइल आ जाएगा और आपको इसको ऐसे लॉक कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो भी मैं एक बार देख लूँ। देखो ये निकलता विकलता नहीं, इसको आपको सीधा ऐसे सर पे पहन लेना है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दो पॉलीथीन लगे हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो निकालने से पहले। तो ये जो है ना, ये देखो ये लेंस को आपको आगे पीछे करता है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो आँखों के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कई लोगों को नंबर होता है या फिर कई लोगों की आँखें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, आँखों के बीच का अंतर अलग होता है, तो उसके लिए ये तीन सेटअप दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको एक बटन दिख जाएगा, तो ये बटन भी आप यूज़ करके जो ये डिफरेंस है ना, यहाँ का डिफरेंस, ये दोनों लेंस के बीच का डिफरेंस, वो कम कर सकते हैं। ये देखो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आँखों के व्यू के लिए हैं, वो सेटअप ठीक करने के लिए तीन बटन। उसके अलावा यहाँ पर है ये, आई थिंक यहाँ ये ईयरफोन के लिए दिया गया है, और यहाँ पे आपको दिख जा रहा है प्ले बटन, प्ले बटन, पॉज बटन, नेक्स्ट बटन। उसके अलावा यहाँ पर एक है, आई थिंक ये इंटरैक्टिव बटन है, इसका भी यूज़ होगा जब आप मोबाइल डाल दोगे एक बार अंदर तब। तो कुछ इस तरह का है, क्वालिटी में काफ़ी हल्का फुल्का है,
कंपैरिजन टू दिस वन, बट अभी हम इसके कंपैरिजन नहीं कर रहे क्वालिटी में क्योंकि कीमत का भी अंतर है। तो ये हमारा इरिसू वीआर हाँ जो प्लस है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो बात कर लें अगर सेटअप की, तो भाई सबसे पहले तो आपको गूगल कार्डबोर्ड डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपका जो बुकलेट आया उसके अंदर उसको स्कैन करा देना है इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे को कराते हुए। तो इससे आपका जो फ़ोन है ना वो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली पेयर्ड हो गया है प्ले वीआर के साथ। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि आप अपने इस फ़ोन को अपने इस वीवर के अंदर जो है हमारा इरिसू वीआर उसके अंदर डाल दो। तो अब हम लोग इसको इसके अंदर फिट कर दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आपको फ़ोन को डालने के लिए सबसे पहले तो इसका कवर निकाल देना पड़ेगा और फिर उसको आपको फ़ोन के बिना कवर के बिना डालना है और वो जाकर कुछ ऐसा फिट हो जाएगा। तो ये आ गया है मेरे हाथ में, आप देख सकते हो इसका लुक एंड फील कैसा आता है हाथ में। और अभी हम इसको पहन के देखते हैं और मैंने सेटअप थोड़ा बहुत कर दिया, कुछ नहीं करना आपको उसको पहन के, खाली हाँ ना करना है ऐसे पहन के बस, उसके बाद सारा सेटअप हो जाएगा और स्क्रीन पर प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका लुक एंड फील कुछ कुछ ऐसा है। अब देखो भाई ये जो इसका ऑडियो है ना वो मेरे काम का नहीं है क्योंकि अभी मैंने जो आईफोन लगाया उसमें तो जैक ही नहीं है, तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। आपको अगर सिलेक्ट करना है कंट्रोलर होता तो अच्छा था, बट कंट्रोलर नहीं आया है अनफॉर्चुनेटली, तो अभी हम लोग इसी डिवाइस में ही सब देखने वाले हैं। तो ये ट्यूटोरियल के ऑप्शन हैं और ये एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन आता है, मुझे मालूम है आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब स्क्रीन पर आपकी दो हिस्से में दिख रही होगी स्क्रीन, बट ये जो दो लेंस है ना जब ये दोनों लेंस सेंटर में होते हैं तो वो एक चित्र बन जाता है। तो ये देखो मैं इस समय इधर देख रहा हूँ तो पीछे दिख रहा है, ये आगे देख रहा हूँ तो आगे आ गया, ये राइट ये लेफ्ट आ गया। तो ये वीआर एक्सपीरियंस इसका बनता है कुछ कुछ। एक्सप्लोर पे क्लिक किया है तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल क्या था भाई हिस्ट्री विस्ट्री जो भी है। अगर मेरे को लग रहा है कि क्लियर नहीं है इमेज तो मैं यहाँ पर इसको सेटअप को चेंज कर सकता हूँ और सही में काफ़ी इम्प्रूवमेंट फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पर। अब हाँ आप कहेंगे अगर चलने से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो आप देख सकते हैं मैं चल रहा हूँ तो नहीं मूवमेंट वाला नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लोरर है, एक चित्र है जो आपको एक 360 एक्सपीरियंस देता है। आप और भी क्लिक करेंगे तो फिर वो और अलग अलग एक्सपीरियंस आपको देगा। ये देखिए फ्लाइट के पहले का ये सीन है, तो यहाँ पे अलग अलग सीन है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एक बहुत ही सही डिवाइस है ये। एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी है इसमें, बैक बटन के लिए आपको इसको डिवाइस को रोटेट करना होता है, बट भगवान जाने कितना रोटेट करना है इसको, इतने से भी रोटेट नहीं होता भाई हो जा। बाकी ये दिक्कत मुझे बहुत ख़राब लगी, ये बैक नहीं होता। ठीक है मैंने यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस की है, इसके जो ये जो स्ट्रैप है ना इसके अंदर आप यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे सेट कर सकते हो, तो ये आप ध्यान रखना आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसका जो स्ट्रैप है ना उसको अपने सिर के हिसाब से सेट कर सकते हो। हाँ फाइनली जाके बैक हुआ भाई, निकाल के करना पड़ा मेरे को। और हाँ ये बात करें ईयरफोन की, तो अभी हाल फिलहाल तो ईयरफोन मुझे नड़ रहा है, आई थिंक मेरी आदत जो है वो खुले उसमें यूज करने की है, तो एक नया एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा हैरानदायक लग रहा है। बाकी ट्राई करते हैं और भी फीचर्स इसके। उसका रीज़न है मैंने वीआर खेल लिया ना बड़ा वाला। ओ बच गया फोन, कोई कवर भी नहीं था, सोचो बच गया। ठीक है मैंने यहाँ पर एक गेम ओपन किया, जैसा कि आपने ध्यान दिया भाई कि ये जो हिस्सा है ना थोड़ा सा संभाल के रखना, अभी मेरा गिरने से बचा है, मैं लाइन में हूँ कि नहीं, फोटो में हूँ कि नहीं। तो अभी यहाँ पर आपको देखना है कैसे प्ले करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये कहीं ले जाने को कह रहा है बस पता नहीं कहाँ। ठीक है ये हमारा जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप फुल 360 आप देख सकते हो। वीआर की और गेम्स भी हम ट्राई करेंगे, स्पेशली सचिन सागा वाली गेम, बट कुछ ऐसा लुक देता है, देख सकते हो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो। आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी मैंने इसमें धीरे रखी है फ़ोन में, और एंड्रॉयड में हम खेलोंगे तो ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर, एक्चुअली हेडफोन भी जैक नहीं लगाया है, बट ये देखो भाई आप फुल 360 एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं उसकी लिस्ट में कुछ स्क्रीन पे डाल दूंगा आपके, और डेफिनेटली उसके गेम प्ले भी हम लोग लाएंगे, हो सकता है इस चैनल पे हैं या सेकंड चैनल पे हैं, बट एक चीज़ माननी पड़ेगी ग्राफिक्स आपके फ़ोन वाले हैं तो काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स हैं, स्पेशली अगर आप मान लो कोई मूवीज वूवीज देखना चाहते हो ना तो यूट्यूब पे लगा दो या फिर कोई इसके प्लेयर डाउनलोड कर लो, उसके अंदर आपको कोई भी वीडियो है उसको 360 पे लगा के आराम से बैठ जाओ और कान में ईयरफोन लगा के आपको ऐसा लगेगा आप थिएटर में बैठ जाओ।
तो ये जो है ये गेम है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, देख सकते हो आप। हाँ, इसमें आप मैनेज कुछ नहीं कर रहे, बस आप 360 एनवायरनमेंट देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आप खुद भी बैठे हो, आप चौदह से पकड़ने का फील कर सकते हो। और ये देखो, हाँ मुझे मालूम है कैमरा ही कर रहा है। तो कुछ इस तरह के गेम्स इसमें है, मैंने बहुत ज्यादा गेम्स ट्राई नहीं किए, बट अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करते हो तो भाई देखो, मैंने क्वेस्ट 2 यूज किया हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में तो मैं बिल्कुल इसको मतलब उससे जज नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि प्राइस का बहुत बड़ा अंतर है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की रह जाती है, बट प्राइस के हिसाब से परफेक्ट है। ये फोन की बात करते हैं, आई थिंक ये फोन इतने काम के मुझे नहीं लगे। हाँ, जब आप मूवीज देखेंगे तब लगेंगे, बट गेम्स के अंदर मुझे नहीं लगे काम के, बट ईयरफोन में अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। एक चीज जो मुझे इस ईयरफोन वाले में खराब लगी है, खराब की बात पहले कर रहा हूँ फिर अच्छा बताता हूँ, कि ये जो है ना, इसमें इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए आपका आपका हेड शेप थोड़ा सा अलग है, तो ये आपके कई बार यहीं तक आ पाएगा, पूरा कान कवर नहीं कर पाता। अच्छी बात अगर करता हूँ तो बहुत सारी अच्छी बातें मुझे लगी। इससे सबसे अच्छी बात ये कि इसमें जो सेटअप दिया हुआ है, तो अपनी आंखों के हिसाब से, आंखों के बीच की दूरी के हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको आंखों के चश्मे हैं या नंबर है तो भी आप आगे पीछे कर सकते हो लेंस को, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, इंडियन ब्रांड है, वारंटी दे रही है, तो अच्छा है। प्लीज ध्यान रखना कि ये हिस्सा खुल के ना निकले, तो जब भी आप बंद करो ना, प्लीज अच्छे से बंद करना। एक और अच्छी बात ये कि क्वालिटी तो चलो इसकी ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट इसमें आपको सेटअप मिलता है कि आप इसको सेट कर सकते हो, इसको निकाल के अपने हेड स्टेप के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, और नई गेम्स मैं लेकर आऊंगा इसके, और आपको जो डाउनलोड बाय लिंक है, डाउनलोड लिंक जनरली होता है सॉफ्टवेयर में, बट बाय लिंक है वो आपको मिल जाएगा। इनका खुद का वेबसाइट है, चाहे तो गूगल से कर लो इरुसु वीआर, या तो डाउनलोड लिंक में कहीं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में डाल दूंगा, वहां से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्या लग रहा है भाई, क्वेस्ट 2 मैं दिखाता हूँ आपको, क्या आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वीआर करना चाहते हैं, तो ये रहा आपके पास डिवाइस जिसकी कीमत 2500 के आसपास है, और ये है 34,000 का। तो एक्सपीरियंस बहुत अलग है, बट वीआर का फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो इरुसु वीआर ट्राई कर सकते हो। मोस्टली मार्केट में इसी तरह के मिलते हैं, बट इंडियन ब्रांड है, अच्छा है, वारंटी दे रहा है, सपोर्ट अच्छा है, तो ट्राई किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।